एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल कोचिंग क्लासेस। आज आपके साथ यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, देख सकते हैं आप, जनरल अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, कितनी आपको आगे करनी है, उस हिसाब से जो सारी प्रिपरेशन है उसकी स्ट्रैटेजी भी आपको बिल्डअप करके रखनी है। हम आपकी सहायता के लिए यहाँ पर मौजूद हैं हर टाइम पे, ताकि आपकी प्रिपरेशन में हर जगह आपको सपोर्ट कर सके। लेकिन जो मेन पार्ट है वो आपके साथ है, आपको सारा कुछ इसमें करना पड़ेगा, अपना पूरा बेस्ट इसमें देना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम जो है क्वालिफाई करना है। बिल्कुल मेरिट बेसिस पे जो डिसीजन है वो आएगा, इसीलिए कोई भी कमी अपने एंड पे ना रहे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट रन फार्म ये कहाँ पे बनाया गया है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। आपको फर्स्ट रोबोट रन है बताना है कहाँ पे ये बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया? सबसे पहला जापान। आप सोच वैसे भी सोच सकते हैं जापान ही ऐसी कंट्री है जो इस तरह की जो आइडियाज है वो लेके आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मंडे से अब ये फॉर्म जो है शुरू की जाएगी, फुल्ली ऑटोमेटेड होगी। यहाँ पे जो है सारा काम जो है लेबर की जगह रोबोट्स द्वारा हैंडल किया जाएगा। हर प्रोसेस को, पानी देना है, बीज बोने हैं, हार्वेस्टिंग करनी है क्रॉप की, सब कुछ जो है रोबोट द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। देख सकते हैं आप कितना, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज होगी जो रोबोट द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल इंडिया जॉइनिंग यमुना एंड गंगा। आपको बताना है कौन सा ऐसा सेंट्रल इंडिया में फ्लो करने वाला रिवर है जो कि गंगा यमुना को ज्वाइन करता है। कल की क्लास में हमने आपके साथ जो डिस्कस किया था पूरा पद्मा रिवर के बारे में जब डिस्कस किया था, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का पूरा हमने देखा था उसमें कहां से वो फ्लो कर रहे हैं, घग्गर, गोमती, कोसी, बेटवा। तो कौन सा जो है सेंट्रल इंडिया से इसको ज्वाइन करता है, तो ये है बेटवा। फिर से एक बार मैप पे नजर डालते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पंच पंजाब का पंच वो है झेलम, चनाब, ब्यास, सतलुज, इंडस। नीचे आप देख सकते हैं राजस्थान में सांबर, लूनी, और ये हाँ मध्य प्रदेश वाली साइड चंबल, और ये आगरा वाली साइड से आ रही है यमुना, गंगा आ रही है गोमती, सोन, घाघर, गंगा, कोसी। ठीक है, ये कोसी सौरव बिहार के बारे में भी डिस्कस कल किया था हमने, हुगली, ब्रह्मपुत्रा, लोहित, सांगपो। तो ये सारी बैरक भी यहाँ पे है, बैरक के बारे में डिस्कस किया था जो कि यहाँ पे अभी दिखाई नहीं गई है बैरक। तो ये सारी जो है हमने यहाँ पे कल आपके साथ डिस्कस की थी। तो बेटवा जो है यहाँ पे बेटवा फ्लो करती है, हाईलाइट नहीं किया गया, बेटवा जो है वो आपकी यहाँ पे फ्लो करती है। ये नॉर्दर्न इंडिया यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, यमुना ऊपर से आ रही है, यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, मध्य प्रदेश से फ्लो करती है। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? कौन सी जो है फर्स्ट वुमेन अपॉइंट की गई डायरेक्टर जनरल के पद पर सशस्त्र सीमा बल के लिए? बताइए, नेहा सिंह, अर्चना राम सुंदरम, के दुर्गा देवी, दीपा चौहान। बताइए इसमें से कौन सी वो महिला है जो कि आपकी डायरेक्टर जनरल के पद के लिए जिसको नियुक्त किया गया है, बताइए कौन सी है वो महिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, अर्चना राम सुंदरम। एशियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पे, किस स्टेट में इंडिया की सिचुएटेड है? फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है कहाँ पे ये सिचुएटेड है। ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, इसका आंसर है बी। अभी थोड़े दिन पहले हमने अंडरग्राउंड अंडर वाटर टनल के बारे में भी डिस्कशन किया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अंडर वाटर टनल जो हमने डिस्कस किया था अभी दो चार दिन पहले की बात है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे है अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट और वो था अंडर वाटर टनल। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं आपको साथ साथ रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमने पढ़ा ये भी है पढ़ा ये भी है, पेपर में मार्क गड़बड़ कराते हैं। ठीक है, तो साथ साथ इस तरह के क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग होते हैं उनको एक साथ रिवाइज करना जरूरी होता है ताकि मिस्टेक के चांसेस जो हैं वो मिनिमाइज हो सके। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अंडर वाटर टनल जिसका भी हमने रिसेंटली डिस्कशन किया था अभी दो चार दिन पहले वो कहाँ पे है, बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लिबरेटेड गैसेस, फोटोसिंथेसिस के टाइम में कौन सी गैस जो है मुक्त होती है उसमें, आंसर क्या होगा बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ऑक्सीजन, तभी तो पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्रदान होती है। ये आप देख सकते हैं, ये सनलाइट जब आती है पेड़ पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के लिए लेते हैं और ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं, और नीचे से जाइलम के प्रोसेस से, जाइलम के प्रोसेस से जो है वो वाटर और नीचे से मिनरल्स लेते हैं, और ऊपर से फ्लोएम, फ्लोएम में वो क्या लेते हैं, फूड प्रोडक्शन उनका जुड़ा होता है। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, जाइलम भी फ्लोएम भी। अमीनोसेंटेसिस ये आपको बताना है, ये किस चीज का मेथड है, ठीक है, अमीनोसेंटेसिस आपको बताना है किस चीज का मेथड है। फर्टाइल हेल्थ की कंडीशन को डिटरमाइन करता है, अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग है, इंड्यूसिंग अबॉर्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये आपको बताना है कि अमीनोसेंटेसिस जो है किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो ये है आपका जो भ्रूण के स्वास्थ्य की स्थिति को ये बताता है, तो ये है अमीनोसेंटेसिस। भ्रूण की कंडीशन क्या है, वो ठीक है, हेल्थ कैसी है, सब कुछ जो डिटरमाइन करते हैं वो इस मेथड से किया जाता है। फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज ड्यू टू, जो मिल्क से कर्ड बनाया जाता है वो किस प्रोसेस से किया जाता है, माइकोबैक्टीरियम, स्टेफलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट। तो किससे जो है दूध को दही में फर्मेंट किया जाता है, चार आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आपको इसमें से ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन इसमें से चुन के बताना है। तो आंसर क्या है आपका, लैक्टोबैसिलस। देखो लैक्टो से वर्ड भी यहाँ पे आता है, मिल्क जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, वहां से भी इस आंसर को आप याद कर सकते हैं कि लैक्टिक एसिड से मिल्क से लैक्टोबैसिलस कर्ड में वो बैक्टीरिया, कर्ड में गुड बैक्टीरिया होता है, देखिए कर्ड में होता है गुड बैक्टीरिया, दूध में होता है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड से बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। याद करने के अलग अलग तरीके हैं, आपको जिस भी तरीके से याद रह सके उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। द एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग सेंसिटिव टू बिटरनेस, जो कड़वा हमें पता चलता है, टंग के किस हिस्से को हमें पता चलता है कि कड़वा जो चीज है वो पता चलता है, तो ये कौन सा है, टिप, किनारों में, मिडल पार्ट, या फिर पीछे के भाग से, कहां से पता चलता है बताइए, कड़वा कहां से पता चलता है, पोस्टीरियर पार्ट से। एक बार टंग का ये डायग्राम देख लेते हैं, कहां से हमें कौन सा पार्ट इसमें पता चलता है, यहाँ पे अलग अलग हमारे सेंसिटिव पार्ट्स हैं जहां से हमें पता चलता है, टेस्ट बड्स हमारे बने होते हैं कि कहाँ से मीठा है कड़वा है। आपने देखा होगा नमक चखना होता है, हम बिल्कुल टिप से चखते हैं, नमक चखना होता है तो, हाँ तो हर चीज को अलग अलग हमारी टंग पे पोर्शंस होते हैं जहाँ से हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि चीज मीठी है, खट्टी है या क्या है। ओके, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ द चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आपको पता है भारत सरकार द्वारा 6 से 14 साल के वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी कर दी गई है, ये आर्टिकल नंबर 21 ए के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक बार करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, डीएस डीपी एसपी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन एम है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को सिटीजन्स को गुड लाइफ को जीने के लिए देने के लिए, इसके अलावा इसका सोशो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए लॉज इस तरह से बनाए जाए ताकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिए जा सके, उनका कभी भी खलल ना हो। इसके अलावा ये नॉन जस्टिफिकेबल है, यानी आप कोर्ट में नहीं जा सकते इनको एनफोर्स करवाने के लिए, अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो जो डीपीएसपी है इसको लार्जर सोसाइटी के हित के लिए इसको जो है अपहोल्ड किया जाएगा, यानी इसको दर्जा दिया जाएगा। तो ये आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डीपीएसपी के देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए इससे जुड़े क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में जरूर आते हैं, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स से जुड़े जो आर्टिकल्स हैं
और आपके ये जो DPSPs हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन UPSC में बहुत क्वेश्चन इससे जुड़े हुए आते हैं, तो SSC के लिए बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है पार्ट को. हाउ आर लेजिस्लेटिव एक्सेसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबलीज चेक्ड, ये आपको यहाँ पे बताना है कि जो आपका पार्लियामेंट की एंड असेंबलीज की जो एक्सेसेस हैं उसको किस तरह से जांचा जाता है, यानी मतलब कभी कभी क्या होता है ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा देते हैं चीज़ों को, तो उसको किस तरह से चेक रखा जाता है. तो इसको चेक रखा जाता है जुडिशियल रिव्यू के तहत, न्यायिक समीक्षा से इसको चेक रखा जाता है. देखो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव पार्ट है, लेजिस्लेटिव पार्ट है, तीनों पार्ट जो है सेपरेटेड है, लेकिन फिर भी जो सरकार कानून ला रही है उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है. इससे क्या है गवर्नमेंट पे एक चेक जो है एस्टैब्लिश किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये आपको बताना है, जो भी स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की जिसमें कोई भी MP राज्यसभा से नहीं हो, ये आपको बताना है कौन सी ऐसी स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें जो है आपका MP नहीं है कोई भी राज्यसभा से. तो ये कौन सी कमेटी है, देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, बताइए इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए. कौन सी जो कमेटी है जिसमें MP जो है राज्यसभा से नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, एस्टिमेट कमेटी, आंसर इज बी. एस्टिमेट कमेटी जो है इसमें कोई भी मेंबर जो है वो राज्यसभा से नहीं होता. एस्टिमेट कमेटी जो है ये आपका स्क्रूटनाइजिंग के पर्पस के लिए बनाई जाती है, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की जो स्क्रूटनाइजिंग होती है उसके लिए, किस तरह से एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, उन फंड्स का यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, इन सब के लिए. तो जितने भी फाइनेंसेस हैं किसी भी डिपार्टमेंट के उन सब की लिमिट को एस्टैब्लिश करने के लिए भी ये देखा जाता है. तो इसके जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा से चूज किए जाते हैं. प्रवीण गोवर्धन, ये आपको बताना है ये टर्म किससे संबंधित है, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, ड्रामेटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, तो किससे ये जो टर्म है रिलेटेड है, ये पॉलिटिशियन से रिलेटेड टर्म है. प्रवीण, आप पूरा नाम यहां पे देख लेते हैं, प्रवीण जमनादास गोवर्धन, ये जो है एक साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन है जिन्होंने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के रूप में 2009 से लेके 2014 तक सर्व किया, उसके बाद 2015 से 2017 तक मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एंड ट्रेडिशन के रूप में इन्होंने कार्यरत रहे. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये साउथ अफ्रीकन है, सबसे बड़ी बात. Who were the first kings to issue gold coins in India? Gold coins किसके द्वारा लाए गए थे, आप देख सकते हैं, मौर्यास, इंडो ग्रीक्स, गुप्तास, कुशांस. तो किसके द्वारा जो है गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए, इंडो ग्रीक्स द्वारा जो है गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए. इसके अलावा एक हमने पहले क्वेश्चन पूछा था आपके साथ कि किनके कॉइन्स के ऊपर उनके म्यूजिक के लिए लव नजर आता है, तो उसका आंसर गुप्ता एज था. तो क्वेश्चन जो है कॉइन से रिलेटेड है और किसके टाइम पीरियड में गोल्ड कॉइन्स को क्या बोलते हैं, मोहर बोलते हैं, मोहरे बोलते हैं, सिल्वर कॉइन्स को क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, और जो आपके कॉपर कॉइन्स हैं उनको क्या बोला जाता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. इस तरह से क्या है एक ही क्वेश्चन में जो है ज़्यादा क्वेश्चन में आपकी रिवीजन हो सकते हैं. इंडो ग्रीक्स जो है बैक्टीरिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, फर्स्ट पर्सन थे जो गोल्ड कॉइन्स इस्तेमाल कर रहे थे. कुशान रूलर इसमें वीम खटफिस जो है सबसे पहले उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए, बट ये जो असम्पशन है बहुत जगह मानी जाती है कि ये असम्पशन सही नहीं है, कई जगह कहा जाता है ये असम्पशन सही है. इनके कॉइन्स आप इस तरह से देख सकते हैं, ये इनके कॉइन्स हैं. हु गॉट द मॉन्यूमेंटल राय गोपुरम इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल्स एट हम्पी तिरुमलाई चिदम्बरम, ये आपको बताना है कि श्री रंगम तिरुपति, ये जो मॉन्यूमेंटल हैं हम्पी के आगे, ये किसके द्वारा निर्माण इनका किया गया, बताइए. तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जो रहे हैं कृष्णदेव राय विजयनगर किंगडम के, इनके द्वारा इनको निर्माण किया गया है. कहा जाता है
कि कृष्णदेव राय जो है इनके कार्यकाल में 1509 से लेकर 1529 के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा जो है कंस्ट्रक्शन वर्क कैरी किया गया। इनके जो थर्ड रूलर रहे तुलवा डायनेस्टी के, वो तुलवा डायनेस्टी के थर्ड रूलर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना एम्पायर जो है आगे बढ़ाया है। इसके अलावा इनको टाइटल भी दिया गया था कन्नड़ राज्य राम रामना का, आंध्र भोज कहा जाता था, मुरु रायरा गंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनके बहुत सारे विविध नाम थे, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन। और आपको ये भी पता होना चाहिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है मॉन्यूमेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का ये क्या है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको ये क्या है ये आपको बताना है। तो क्या है ये, स्टेट क्राफ्ट का ग्रंथ यानी ट्रिटराइज ऑफ स्टेट क्राफ्ट है ये। ओके, सो स्टेट क्राफ्ट का ट्रिटराइज ये है। आप देख सकते हैं इनकी बहुत कूटनीति जो है, मिलिट्री इकोनॉमिक पॉलिसीज और इनकी मिलिट्री पॉलिसीज जो हैं, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, इनकी स्टेट क्राफ्टशिप जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती थी। कौटिल्य भी बोलते हैं इनको, चाणक्य, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है इनको, प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। वेल नोन पेंटिंग बनी ठनी जो ये पेंटिंग है, ये कांगड़ा किशनगढ़ स्कूल, बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, किसको ये बिलोंग करती है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये बिलोंग करती है कृष्णगढ़ स्कूल को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये है बनी ठनी पेंटिंग, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग बहुत मशहूर मानी जाती है, इस तरह से बनी ठनी की पेंटिंग जो है कृष्णगढ़ स्कूल में बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। When a running car stops suddenly, the passenger tend to lean forward. ऐसा होता है जब भी कार चलती चलती रुकती है तो अचानक से आगे की तरफ झटका लगता है। ये झटका हमें बताना है कि किस कारण से लगता है। So ये झटका आता है आपका inertia of motion के कारण। देखो यहाँ पे inertia तो given है, लेकिन inertia of rest, inertia of motion दोनों यहाँ पे दिए हैं, तो आपको क्या मार्क करके आना है, inertia of motion, क्योंकि कार चल रही है, चलती कार में आपको ब्रेक लगानी है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन, मान लीजिए गाड़ी रुकी हुई होती और उस टाइम आपको एकदम स्टार्ट करने पे झटका आता तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है ये किसके द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है ये आपको यहाँ पे बताना है, किसके द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें यहाँ पे बताना है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, बताइए। तो ये इनकी नियुक्ति जो होती है वो होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। आंसर इज बी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष होते हैं यानी प्रमुख होते हैं, और इनके साथ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी होती है कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर तरीके से पूरे नेशनल और स्टेट लेजिस्लेचर के जो है वो किए जाए, साथ ही में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी। इनके साथ ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये ज़्यादातर इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर होते हैं यानी IAS होते हैं, साथ ही में इनको इनकी पोजीशन से रिमूव करना मुश्किल होता है। एक बार राष्ट्रपति जब इनको नियुक्त कर देते हैं उसके बाद इनको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दो तिहाई जो है लोकसभा की वोटिंग चाहिए होती है, राज्यसभा की भी इनके खिलाफ, ताकि ये साबित किया जा सके कि इनका कोई भी मिसकंडक्ट है, कोई डिसऑर्डर है या इम्प्रॉपर एक्शन है, तो इनको हटाना बहुत ही कठिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन इंडिया। लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स आपको बताना है कि इसमें से किस स्टेट में एस्टिमेट किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार में न्यूली क्रिएटेड झारखंड भी शामिल हो, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तो ये आपको बताना है किसमें कोल रिजर्व जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा बिहार, झारखंड के एरिया में सबसे ज्यादा जो है
कोल रिजर्व्स पाए जाते हैं। Who among the following was the last Delhi Sultan? Last Delhi Sultan आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका आंसर है इब्राहिम लोदी, आंसर इज डी। आपको पता होना चाहिए बैटल ऑफ पानीपत के बारे में इस क्वेश्चन से। देखिए, जब एक क्वेश्चन आता है दो तीन क्वेश्चन साथ में अपने आप ही दिमाग में आ जाना चाहिए। बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ये बैटल हुआ था 1526 में। तीनों बैटल किस किस के बीच में लड़े गए, सेकंड बैटल था अकबर और हेमू के बीच में, तीसरा किसके बीच में था, कहाँ पे ये बैटल लड़े गए थे, सारी जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैटल के बाद दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ था और मुगल एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ओशन करंट्स। ओशन करंट्स आपको बताना है किसके कारण जो है होते हैं, मॉनसून विंड्स, परमानेंट विंड्स, पीरियोडिक विंड्स, वेस्टर्लीज, किसके कारण जो है ओशन करंट्स होते हैं। तो इसका आंसर है परमानेंट विंड्स के कारण, स्थायी विंड्स के कारण ये होते हैं। परमानेंट विंड्स को प्लैनेटरी विंड्स भी कहा जाता है, प्लैनेटरी विंड्स भी इसको कहते हैं। ये रेगुलरली फ्लो करती हैं पूरे साल भर के लिए और एटमोस्फेरिक लेयर के लोअर पोर्शन में ये फ्लो करती हैं। आप देख सकते हैं ये हॉट करंट्स, कोल्ड करंट्स की स्ट्रीम्स आपको यहाँ पे पता है, लेब्राडोर, नॉर्वेजियन, ये तो हम पूछ भी चुके हैं आपको दो चार बार। इसके अलावा जो ये यहाँ पे है एगुलास, ये भी हम आपको पूछ चुके हैं, बैनग्यूला, ये भी आप डिस्कस हम कर चुके हैं, तो आपको ये सारे जो है कुरुशियो हॉट करंट है ये भी पूछ चुके हैं, ओयाशियो आपको पता होना चाहिए कोल्ड ओशन करंट है। इस तरह से एक बार सारी इसमें रिविजन हो जाएगी आपके मैप के थ्रू, एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं सारे मैप को, एक बार नजर डाल लीजिए इसमें, कहाँ से रेड कलर में जो हॉट करंट्स हैं और ब्लू कलर में जो है आपके कोल्ड ओशन करंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट अबॉर्जिन टू विन अ गोल्ड मेडल एट ओलंपिक गेम्स। आपको यहाँ पे बताना है आदिवासी, देखो इसका शब्द का अर्थ होता है आदिवासी, जिसको ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल प्रदान किया गया, तो वो आपको यहां पे बताना है। तो कौन है, देखिए मारिया मुटोला, कैथी फ्रीमन, लॉरेन ग्राहम, कैथरीन मेरी, तो किसको जो है गोल्ड मेडल इनमें से दिया गया ओलंपिक गेम्स में। आंसर इज कैथी फ्रीमन। कैथी फ्रीमन को जो है, ये एक आदिवासी है जिनको सबसे पहले ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल मिला है। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द मैल फंक्शनिंग ऑफ, किसकी खराबी से मधुमेह का डिसीज जो है वो होता है, ये है पैनक्रियाज। हेरिडिटी बीमारी है, ज्यादातर जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होती है। क्या होता है, पैनक्रियाज जो है ये हमारी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट करती है। इंसुलिन से क्या होता है, जो हमारी बॉडी का ब्लड शुगर है वो रेगुलेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है पचाए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए पैनक्रियाज में कोई दिक्कत होगी और इंसुलिन रिलीज नहीं हो रही, तो ऐसे में शुगर पचा पाना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, जिससे कि डायबिटीज का डिसीज जो है वो हो जाता है। ओके, तो नॉर्मल टर्म में बोलते हैं कि शुगर हो गई है, शुगर नहीं होती है। इसमें क्या होता है, डायबिटीज नॉर्मल टर्म में कहते हैं शुगर हो गई है, लेकिन इसमें शुगर नहीं होती, ये बात आपको ध्यान करनी है, शुगर नहीं होती, लेवल ऑफ शुगर जो बोल देते हैं नॉर्मल टर्म में वो नहीं होता इसमें। ऑथर्स इन इंग्लिश फ्रॉम विच द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर द बुकर प्राइज। बुकर प्राइज के लिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कंट्री के ऑथर्स जो है उनको एलिजिबल नहीं माना जाता बुकर प्राइज के लिए। आपको एक बात बता दूं, HC जो बाकी एग्जाम्स हैं बुकर प्राइज विनर्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, इन प्राइज जैसे HCS वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, तो आपको HCS ये बुकर प्राइज के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो कौन सी कंट्री के जो लोग हैं उनको बुकर प्राइज के लिए शामिल नहीं किया जाता, दैट इज USA। USA के जो लोग हैं इनको बुकर प्राइज की श्रेणी में नहीं रखा जाता। सेंट पीटर्स स्क्वायर ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, बर्निनी, बोरोमिनी, तो आपको बताना है किसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया, माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो द्वारा इसको डिजाइन किया गया,
आप देख सकते हैं बहुत सुंदर जगह है, सेंट पीटर्स स्क्वायर इसको बोला जाता है। इसकी डिजाइनिंग अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। स्टैचूज वगैरह एक एक चीज जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। ये एक लार्ज प्लाजा के रूप में आप इसको देख सकते हैं, वेटिकन सिटी के पास है, रोम, रोम में ये है। ओके, पेन चेंज कर देते हैं एक बार, रोम में है ये, वेटिकन सिटी के पास। ओके, सो सेंट पीटर, ये जीजस के फर्स्ट पोप बने थे, उसके नाम पे, उनके नाम पे ये जो है जगह बनाई गई है। विच कंट्रीज आर लिंक्ड बाय द खाइबर पास, खाइबर पास से कौन सी कंट्रीज जो है जुड़ी हुई है। देखिए तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान जो है ये खाइबर पास से जुड़ी हुई है। ओके, सो अब आपको उसके लिए भी अभिनंदन, के घर वापसी के लिए भी अभिनंदन खाइबर पास से। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक बार यहाँ पे लोकेशन रिवाइज हो जाएगी। ये है आपका पूरा बॉर्डरिंग लाइन, ये है इंडिया का, आपको लोकेशन समझ आ रहा होगा। तो ये दिस इज योर बाउंड्री। ओके, सो ये मुल्तान इस्लामाबाद की वो खाइबर पास जो है यहां से होकर गुजर रहा है, ये आप देख सकते हैं। आगे ये काबुल का एरिया आ जाता है, तो ये आपका खाइबर पास की लोकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज टाइम नेसेसरी फॉर द करेक्ट सेक्टर, ये आपको बताना है, ऑफ अ डिस्क टू अराइव एट द रीड राइट हेड, वो आपको बताना है। कितना टाइम जो है लिया जाता है एक रीड राइट मोड पे आने पे, करेक्ट सेक्टर से रीड राइट मोड पे आने के लिए कितना टाइम जो है उसमें लिया जाता है, बताइए। डाउन टाइम, सीक टाइम, रोटेशनल डिले, असेस टाइम, तो ये कौन सा टाइम होता है इसमें आपको ये बताना है। तो ये आपका होता है रोटेशनल डिले, इसको बोलते हैं। रीड और राइट हेड क्या होता है, फिजिकल पार्ट होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, हार्ड डिस्क जो है रीडिंग डाटा से या राइटिंग डाटा वाले पार्ट पर जब आती है तो ये जो है थिन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक ब्लेड्स उसमें अटैच होते हैं जहां से वो डिसाइड करती है कि कहां पे उसको जाना है। Who amongst the following was awarded Nobel Prize for developing the technology used in integrated circuits in PC? ये किसको Nobel Prize दिया गया integrated circuits बनाने के लिए, personal computers के लिए, बताइए किसको दिया गया ये Nobel Prize? तो ये prize दिया गया Jack Kilby को। Jack Kilby ने ICs का आविष्कार किया। आपने देखा होगा पहले जो है कंप्यूटर वगैरह के स्ट्रक्चर्स, ट्रांजिस्टर्स बहुत बड़े होते थे, धीरे धीरे इनका साइज जो है कम होता जा रहा है, वो इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण होता जा रहा है। तो वो डेवलप करने का श्रेय जैक किल्बी को जाता है। इंडियाज फर्स्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क विल कम अप इन विच स्टेट, इंडिया का जो पहला इंडस्ट्रियल पार्क है वो कहां पे आया, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश? तो सबसे पहला डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क जो है कहां पे स्थापित हुआ है, ये है केरल में। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल। ओटा पल्लव नाम की जगह है जहां पे इसकी स्थापना की गई है, ये आप लोकेशन देख सकते हैं केरल की यहां पे नीचे। एडहेरेंट म्यूकोइड एल्कलाइन सब्सटेंस कवरिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को जो म्यूकस कवर करता है वो यहाँ पे आपको हमें बताना है कौन सी लाइनिंग होती है। इससे क्या होता है, देखिए जो पेप्सिन का अटैक होता है म्यूकोसा पे उसको ये रोकता है। देखो अगर लाइनिंग नहीं होगी तो जितने भी एसिड रिलीज हो रहे हैं स्टमक में वो जो है हमारे स्टमक को जलाना शुरू करेंगे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक लेयर होती है। What are the basic units from which human spare parts can be created? Human spare parts जो हैं वो किस चीज से create किए जा सकते हैं? Nerve cells, stem cell, heart cell, kidney cells. अभी आपको पता होगा recently ऐश्वर्या राय इसकी ad भी कर रही थी, तो जिससे human parts बनाए जा सकते हैं, इन cells को जो है store करके रखा जा सकता है 15 से 20 साल तक के time period के लिए, ताकि जो है कभी भी जरूरत पड़ने में इनकी सहायता जो है वो ली जा सके। तो वो है स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स होते हैं जिसकी मदद से मान लीजिए कोई लिम्ब अगर खराब हो गया है तो उसको दोबारा से रिपेयर किया जा सकता है। फ्यूचर में कोई भी सेल आपको रिप्लेस करने हैं,
डैमेज हो गए हैं, डिसीज की वजह से खराब हो गए हैं, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैल्वनाइजेशन इज द, गैल्वनाइजेशन आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरीके का प्रोसेस है। तो गैल्वनाइजेशन क्या होता है, इस प्रोसेस के अंतर्गत जिंक की लेयर जो है आयरन पे चढ़ा दी जाती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। गैल्वनाइजिंग में क्या होता है, जिंक की कोटिंग आयरन या स्टील पे चढ़ाई जाती है ताकि जंग ना लगे, रस्टिंग ना हो। और ये मेथड होता है हॉट डिप का। हॉट डिप के मेथड में क्या होता है, इसमें जो भी पार्ट्स उस मोल्टन जिंक के अंदर डिप किए जाते हैं तो जिंक की लेयर जो है पूरी सतह पे आयरन या स्टील की सतह पे जो है वो चढ़ा दी जाती है। When there are two electrons in the same orbital, जब same orbital में दो electrons होती हैं, उनकी जो spinning होती है उसकी position आपको बतानी है किस तरह से होती है। तो देखो, अगर एक की direction ऐसे है तो दूसरे की इस तरह से उल्टी होती है, तभी तो system stable होता है। मान लीजिए दोनों की direction same होगी तो ये तो repellent हो जाएंगे, दूसरे एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो वो system तो stable ही नहीं रहा। तो हमेशा same orbit में जो electrons होते हैं उनकी direction ऑपोजिट होती है, यानी बी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के डीकंपोजिशन का आपको बताना है, क्या किससे डीकंपोज होता है वो बताना है। तो ये एंजाइम्स की मदद से जो है डीकंपोज होता है, आंसर इज बी। ये प्रक्रिया जो है ये एंजाइम्स की प्रक्रिया है। हु वॉज द फर्स्ट रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर फ्रॉम इंडिया, सबसे पहले जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता रहे हैं उनका नाम आपको यहां पर बताना है। सो क्या आंसर है इसका, आचार्य विनोबा भावे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अभी हम विनोबा भावे के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं जब से हमने क्लासेस लगानी शुरू की हैं, फटाफट से बताइए कि इनके बारे में आपको जो नॉलेज है एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नॉन वायलेंस ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े ये वकालत रहे हैं और इन्होंने भूदान मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। नेशनल टीचर रहे हैं, स्पिरिचुअल सक्सेसर रहे हैं। देखो मैंने हियर की बात की थी, महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल हियर भी रहे हैं ये, ठीक है, महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल हियर रहे हैं ये। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में लिखिए, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर बताइए। CO419 ये किस चीज की किस्म की एक वैरायटी है, ये आपको यहां पे बताना है। तो ये एक कॉटन की वैरायटी है, ये एक कॉटन की वैरायटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको जिनका मैप पे पकड़ है उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं और टाइम सेविंग हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, आपके लिए बाकी पोर्शंस को करने के लिए टाइम बचे तो इस तरह के क्वेश्चन बेस्ट रहते हैं उसमें। अफगानिस्तान के साथ किस कंट्री का बॉर्डर जो है वो नहीं लगता, तो यहाँ देखिए जॉर्जिया का बॉर्डर जो है अफगानिस्तान से टच नहीं होता। चलो एक बार अब इस पर मैप रिवाइज करते हैं। यहाँ पे ये है आपका अफगानिस्तान, ओके, इंडिया के साथ इसका यहां से टच हो रहा है बॉर्डर, यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इंडिया के साथ इसका बॉर्डर जो है वो टच हो रहा है, लेकिन यहां से ये साइड जो है पाकिस्तान के साथ टच हो रही है, इधर ईरान, इधर तुर्कमेनिस्तान, यहां तजिकिस्तान, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज हैं इसके साथ टच हो रही है। यहां अगर आप देखें किर्गिस्तान जो है यहाँ तजिकिस्तान के ऊपर ही रह जाता है तो उसका बॉर्डर जो है इसके साथ टच नहीं हो रहा। तो जो कंट्रीज यहाँ टच हो रही हैं आप देख सकते हैं, जॉर्जिया जो है इसकी नेबरिंग कंट्रीज में नहीं आ रहा, तो जॉर्जिया जो है इसका गलत आंसर हो जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा क्योंकि नो पूछा है ना कि कौन सी टच नहीं हो रही, तो नो वाली में जॉर्जिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 डज नॉट अप्लाई। तो किस स्टेट को ये जो इसमें से दिया गया 1954 का एक्ट किस स्टेट पे लागू नहीं होता। हाँ जी बताइए, किस स्टेट पे ये लागू नहीं होता, मेघालय, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा। तो जम्मू कश्मीर पे ये एक्ट जो है लागू नहीं होता।
कारण क्या है, 13 जो आर्टिकल 370 के तहत जो हम डिफेंस वगैरह इनको प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस तरह के एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होते। टर्पेंटाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टर्पेंटाइन को किस तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है ये आपको यहां पे बताना है। क्रूड पेट्रोलियम से, दियोदर से, पाइन, ओक। तो टर्पेंटाइन को किससे जो है लिया जा सकता है, पाइन से इसको लिया जा सकता है। आंसर विल बी सी, सी इज दी करेक्ट आंसर। टर्पेंटाइन जो है फ्लूइड होता है, जो कि डिस्टिलेशन रेजिन की, पेड़ों की डिस्टिलेशन से निकाला जाता है। ये एक सॉल्वेंट के रूप में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के रूप में भी इसको मेजर सोर्स माना जाता है। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टैब्लिश। फर्स्ट कॉटन मिल आपको बतानी है कहाँ पे एस्टैब्लिश की गई, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बतूर। तो कहाँ पे सबसे पहली जो कॉटन मिल है उसको एस्टैब्लिश किया गया, आंसर विल बी मुंबई। मुंबई में इसकी स्थापना जो है की गई। तो फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल जो है यहाँ पे स्थापित की गई बॉम्बे स्पिनिंग मिल के द्वारा 1854 में। तो नाना भाई दावर द्वारा इसको स्थापित किया गया। लैंकशायर मिल ओनर जो हैं उनके द्वारा उनके सपोर्ट के साथ टेक्सटाइल मशीनरी यहाँ पे लाई गई 1817 में। अगर 1870 की बात की जाए तो 13 मिल्स बॉम्बे में एस्टैब्लिश कर दी गई थी। आप देख सकते हैं इस तरह से कार्य वहां पे किया जाता था। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीद हिज लास्ट। लॉर्ड बुद्धा ने सबसे लास्ट में कहाँ पे अपनी सांसें ली थी, तो इसका आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर में इनकी आखिरी सांसें ली गई थी। गॉड ऑफ पीस भी इनको कहा जाता है, नॉन वॉयलेंस भी इनसे ही आया है। बुद्धा के जो लास्ट सरमन थे उन्होंने उनको क्रीमेट किया, यानी कि उनकी अंतिम जो उनकी क्रियाएं थी वो इनके द्वारा की गई, उनके लास्ट जो सरमन थे। कुशीनगर जो है इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज जो सेंटर बुद्धिस्ट का है, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी। यहाँ पे स्तूप भी बनाया गया है जहाँ पे उनके एशेज यानी उनकी जो राख है वो विसर्जित किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार, महाराजागंज, गोरखपुर, द्योरा, इधर यूपी के पास ये कुशीनगर का एरिया जो है ये लगता है, यहाँ पे इनका जो है विसर्जित इनकी एशिस को किया गया। द फेमस पीकॉक थ्रोन ओरिजिनली बिलोंग टू, जो पीकॉक थ्रोन है वो किसको बिलोंग करता है। तो पीकॉक थ्रोन जो है किसको बिलोंग करता है, शाहजहां को ये बिलोंग करता है। पीकॉक थ्रोन जो है ये बहुत ही ज्वेल्ड थ्रोन था, सीट ऑफ मुगल एम्परर भी कहा जाता था, और 17वीं शताब्दी में शाहजहां द्वारा इसको कमीशन करवाया गया दीवाने खास में। दीवाने खास क्या था, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, जहाँ पे रेड फोर्ट में ये सिचुएटेड था। इसी के ऊपर तो वो कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं इस तरह की ये सीट थी, बहुत ही शाही सीट थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू। कौन सी वो लाइब्रेरी है, देखिए यहाँ पे, तो इसमें आपको लाइब्रेरी का यहाँ पे नाम बताना है जल्दी से। ऑप्शन में से देखिए, बताइए कौन सी ये लाइब्रेरी है। तो ये है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, इसका आंसर है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ये सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरीज में से है इंडिया की। इसको 29 अक्टूबर 1891 में खोला गया था खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा। 4,000 उस समय में मैन्यूस्क्रिप्ट्स यहाँ मौजूद थे, जिसमें से 1400 जो हैं उनके पिता मौलवी मोहम्मद बख्श द्वारा ही उनको विरासत में मिले थे, बाकी उन्होंने खुद संग्रह जो है बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टील्थ एयरक्राफ्ट वर्चुअली अनडिटेक्टेबल इवन बाय रडार। कौन सा ऐसा स्टील्थ एयरक्राफ्ट है जो कि रडार सिस्टम में डिटेक्ट नहीं होता। तो इसका आंसर है B-52 स्टेटो फोर्ट्रेस। ये जो है ये आपका रडार सिस्टम में डिटेक्ट नहीं होता। ये एक अमेरिकन लॉन्ग रेंज का आपका जो है क्राफ्ट है, सबसोनिक है। देखो इसकी साउंड पता नहीं चलती,
इसके अलावा जेट पावर्ड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है B-52, ये इस तरह से डिजाइन किया गया है बोइंग द्वारा ताकि ये डिटेक्ट रडार सिस्टम में ना हो, और इसको कॉन्टिन्यूसली और अपग्रेड किया जा रहा है। ये 1950 से इसको जो है ऑपरेशन में है और इसमें एडिशन जो है हर साल कर दिए जाते हैं। Which of the following is not reckoned as value-added telecommunication service? तो कौन सी जो है value-added telecommunication service इसमें से नहीं है? That is electronic mail. ये telecommunication की value-added service नहीं है। बाकी STD, fax, radio paging ये सब को जो है ये telecommunication से जुड़ी हुई है। The standard of living in a country is represented by its. हमें बताना है किसी भी country का standard जो है वो किससे पता चलता है? तो वो पता चलता है पर कैपिटा इनकम से। पर कैपिटा इनकम से जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का पता चलता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोड्स एंड देयर जजमेंट? इस बुक के ऑथर का आपको नाम यहाँ पे बताना है। तो इस बुक के ऑथर का नाम है अरुण शोरी। अरुण शोरी जो है इस बुक के ऑथर है, कोर्ट एंड देयर जजमेंट्स, ये आप देख सकते हैं। Where is Raisina Hills? Raisina Hills आपको बताना है कहाँ पे situated है। ये UPSC में भी question जो है पूछा जा चुका है। ये है राष्ट्रपति भवन जहाँ पे situated है वहाँ पे ये है स्थित। Okay, so आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं Raisina Hills जो है, Raisina Hills जो है ये जो ल्यूटन्स के टाइम पीरियड से हैं, ये हाउसिंग इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रेजिडेंस भी यहाँ पे है, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग भी, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस PMO और बहुत अदर जो मंत्रालय है वो यहाँ पे मौजूद है रायसीना हिल्स में। हु एडवोकेटेड द अडॉप्शन ऑफ पूरा मॉडल टू इरेडिकेट रूरल पॉवर्टी? जो गरीबी को पूरी तरह से हटाने के लिए वकालत पूरा की किसके द्वारा की गई? हाँ जी बताइए किसके द्वारा ये वकालत जो है की गई? ये की गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडिया के रह चुके हैं। इन्होंने जो रूरल डेवलपमेंट का जो स्टेज डिस्कस किया था, इस बुक का टारगेट था 3 बिलियन लोगों तक, ये बुक का टारगेट था कि उन तक ये बुक जो है पहुंचाई जाए। इसमें पूरा, पूरा का फुल फॉर्म क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल इंडिया, रूरल एरियाज, तो ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी किस चीज की स्टडी है? तो एंटोमोलॉजी कीड़ों की स्टडी को कहा जाता है, इंसेक्ट्स। ओके, सो ए इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।